नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ दराज धर्म पर। विश्व में चमत्कार की बात होती है, लेकिन यहाँ पर अगर हम भारत की बात करें तो हमारे जो सनातन गुरु हैं, आप ये कहिए जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, वो खुद एक चमत्कार हैं। इन्होंने खुद जो है वो राम मंदिर में एक बहुत बड़े वादी के रूप में ये सामने आए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और इन्होंने मुस्लिम जो जज था उसके नाकों तले चने चबा दिए थे, नींबू निचोड़ के रख दिया था जिसे कहें तो। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं गुरुदेव से बात करने आई हूँ, और मेरे चैनल का भी सौभाग्य है कि पहली बार मैं गुरुदेव का इंटरव्यू कर रही हूँ। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है राजधानी पर। बेटी बोलिए जी। गुरु जी, मैं आपसे सबसे पहला सवाल यही पूछना चाहती हूँ कि 2014 के बाद अगर मैं ये पूछूं, क्योंकि बहुत आप सुबह से इंटरव्यू कर रहे हैं। नहीं नहीं, आप चिंता मत करिए। ठीक है, मैं बिना चिंता के आपसे सवाल पूछूं। बिल्कुल बिना चिंता किए और बिना संकोच किए जी। मोदी के आने के बाद कितना जो है वो भारत बदला है? बहुत बदल गया। मैं तो कहूँगा 60 वर्ष में जो कुछ हुआ था उससे अब इतना अच्छा हो गया। अब तो भारत पूरे विश्व में एक अपनी पहचान बनाने लगा। मोदी के आने के बाद व्हाइट हाउस में दुर्गा सरस्वती की गूंज हो गई, भारत माता की जय हो गई, हिंदुत्व बुलंदी पर आ गया। हमने 370 हटा दिया कश्मीर से, क्या कोई कल्पना कर सकता था? 35 एक हटा दिया। मुसलमानों की महिलाओं पर जो शोषण हो रहा था, 25-25 बच्चे पैदा करके उन्हें निचोड़ कर निकाल दिया जाता था, यूज एंड थ्रो करके। वो ट्रिपल तलाक हमने समाप्त करवा दी, क्या नहीं किया हमने। और एक बार मोदी और आ जाएंगे तो हम गोवध भी बंद करवा देंगे, रामचरितमानस को राष्ट्रग्रंथ भी घोषित करवा देंगे। क्या बात है गुरु जी। जो विपक्ष है वो इस बात को कहता है कि मोदी के आने के बाद नफरत बहुत ज्यादा फैली। बिल्कुल गलत बात। नफरत की वो व्याख्या नहीं जानता, कहीं नफरत नहीं हुई। आप बताइए, जब राम जन्मभूमि का निर्णय आया, लोगों ने कहा था कि 141 देश आक्रमण करें, क्या भारत पर किसी ने आक्रमण किया? चूं तक किसी ने किया? आप बताइए ना। जो अमेरिका भारत से इतना चिढ़ता था, वही मोदी जी को उसी अमेरिका ने इतना स्नेह दिया जितना कि कोई अपने समधी दामाद को स्नेह देता है। वही भारत के अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने कहा कि मोदी जी नॉन वेज नहीं लेते, तो हमने इनको वेज की व्यवस्था की है। पूरे विश्व के राष्ट्र अगवानी के लिए मोदी की तरस रहे, हम लोगों का सम्मान, मैं स्वयं विदेश जाके आया, कितना सम्मान बढ़ गया हम लोगों का। पहले और अब में क्या अंतर है गुरु जी? अगर मैं आपसे, मैंने कह तो दिया, गटर और गंगा का अंतर है। लेकिन विपक्ष कहता है गंगा अभी तक साफ नहीं है। मूर्ख है ना, सब कुछ 80% गंगा जी ठीक हो गई, आ जाएंगी सामने। विपक्ष को कुछ न कुछ तो बोलना चाहिए ना। इंडिया जीतेगा लगता है गुरु जी आपको? क्या इंडिया, भारत, इंडिया विपक्ष की बात करने की? भारत की बात करें, विपक्ष की, मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, विपक्ष वाली इंडिया की बात कर रही हूँ। तो इसका एंड होगा, उसका एंड होगा। That is about to see end. उत्तर प्रदेश कितना बदला है? बहुत बदल गया उत्तर प्रदेश, क्या नहीं। पहले क्या था उत्तर प्रदेश, आप देख रही थी अखिलेश दीक्षित में, क्या नहीं, कितना दुर्दशा थी। आज हमारा उत्तर प्रदेश पूरे भारत का मुकुटमणि बन गया है। आप देखिए, योगी ने क्या नहीं किया, सब कुछ तो हो गया। आज हम, पहले बेटी बहनें डरती थी रात में जाने में, आज सब लोग उन्मुक्त रूप से आनंद कर रहे हैं। बड़े 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 गुंडों ने धन जमान रख दिया, बड़े 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 जो क्या कहते हैं आतंकवादी थे उनका नाश हुआ, जो हजारों कत्ल कर चुके थे वो आज किनारे पर लग गए। सब कुछ तो ठीक हो गया। अतीक अहमद आदि की कोई कल्पना कर सकता था क्या? सब कुछ तो ठीक हो गया। मुलायम और योगी के राज में क्या अंतर है, अगर मेन डिफरेंस पूछे तो? बहुत अंतर है। अब मुलायम तो देखिए मर गए,
नहीं तो मैं और कुछ कहता, अब और कुछ नहीं कहूंगा। अखिलेश और योगी के राज में क्या डिफरेंस? बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। अब जमीन आसमान का अंतर है क्या? साधु संतों के उसमें क्या अंतर है? साधु संत उस समय कैसे थे और अब कैसे हैं? अब अच्छे हैं साधु संत, अब निर्भीकता सांस ले रहे हैं। उस समय गुरुजी वो आदर, वो सम्मान वो नहीं था। हम लोग स्वयं इतना श्रम किया हमने भारतीय संस्कृति के लिए, यदि हमको सम्मान नहीं चाहिए था पर अधिकार तो चाहिए था। हमारा अधिकार ही हमको नहीं मिल रहा था, हम जी नहीं पा रहे थे, निरर्थक कैसे थोपे जा रहे थे निराधार। आज कम से कम स्वाभिमान की सांस ले रहे हैं। 2024 में वापस से प्रधानमंत्री मतलब आ रहे हैं? निश्चित, ही विल कम अगेन, ही विल रिपीट। गुरुजी जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो मैंने ये भी पढ़ा कि आपने 5 वर्षों में, जब सिर्फ आप 5 वर्ष के थे तब आपने गीता पढ़ ली। हाँ, मैंने 5 वर्ष की अवस्था के 5 वर्ष में 15 दिन कम थे तब तक मैंने गीता कंठस्थ कर ली थी, पूरी गीता जी। और 7 वर्ष की अवस्था में मैंने 8वें जन्मदिन पर मैंने पूरी रामचरितमानस को दोहरा लिया था 1957 की 14 जनवरी को। आज की पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं गुरु? मैं यही कहना चाहूँगा कि बचपन प्रबुद्ध हो, यौवन शुद्ध हो और बुढ़ापा सिद्ध हो। और जो लोग गीता रामचरितमानस नहीं पढ़ते हैं उनको आप क्या बोलना चाहते? बस उनको पढ़ना चाहिए, इससे भारतीय संस्कृति समझ में आएगी और आपको अपने कर्तव्य का बोध होगा। थोड़ी कुछ ऐसी बातें जो नौजवानों के अंदर रुचि आए कि भाई वो उसको सुन करके वो मतलब प्रेरित हो कि गीता रामचरितमानस थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर दे। मैं मेरे वक्तव्य को सुनते हैं और बहुत प्रेम कर रहे हैं। यहाँ तक कि अभी हमें समाचार मिला है कि भारत के लगभग 500 सांसद मेरी कथा ध्यान से सुनते हैं। जो इंटेलेक्चुअल क्लासेस के लोग हैं वो मुझे बहुत लाइक करते हैं, मैं भी उन्हें बहुत लाइक करता हूँ। मूर्खों की बात नहीं करता। अब इनको किसी को बेटा होना है, किसी को बेटी होना है, किसी को दामाद बेटी, दामाद झगड़ा हो गया, इस सब बात मैं नहीं करता। मैं चमत्कार में विश्वास नहीं करता, मैं नमस्कार में विश्वास करता हूँ। अच्छा गुरुजी, जब आप कोर्ट रूम में थे, मैं 2019 की बात कर रही हूँ, तब जब मुस्लिम जज ने आपसे कहा वादी के तौर पे कि आप बताइए कि कैसे वहाँ पे हम माने कि राम मंदिर, मतलब वहाँ पे राम मंदिर था, तो आपने क्या मतलब क्या पूरा कोर्ट रूम की अवस्था क्या थी थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ। तो मेरा बयान पढ़ लीजिएगा, 100 पृष्ठों में है। बयान की मैं बात नहीं कर रही गुरुजी, मैं मतलब उस समय जो वो इमोशन जो कोर्ट रूम के था अंदर वो था। तो पूरा कोर्ट स्तंभित था। पहले दिन जब उन्होंने मुझे देखा, कौरी ही कांट सी, हाउ कैन ही स्पीक बिफोर अस। पर जब मैंने बोलना प्रारंभ किया और विपक्षी वकील ने प्रारंभ किया उत्तर, जो विपक्षी वकील अन्य गवाहों को 9-9 महीने रुलाता था, उसको उसके अपने एक एक उत्तर में उसके 50-50 प्रश्नों के मैंने समाधान किए और 7 दिन मैंने उसको रुला के रख दिया मैंने स्वयं में। तो मुस्लिम जज ने कह दिया सारी वार डिवाइन पावर। और जब वैदिक प्रमाण की बात आई तो मैंने वैदिक प्रमाण दे दिए, अथर्ववेद की 10वें कांड के 31वें अनुवाद के 2वें मंत्र में स्पष्ट वर्णन है, 8 चक्र वाली 9 द्वार वाली वह देवताओं की पूरी अयोध्या है जिसमें एक मंदिर है जो मंडपाकार है, स्वर्ण का मंदिर, और उसी मंदिर में भगवान राम का प्राकट्य होता है और वहाँ ग्रहों के अनुसार मेष के सूर्य की दृष्टि पड़ती है, आज भी पड़ती है, कोई भी देखे, मकर की मंगल की दृष्टि पड़ती है, तुला के शनि की दृष्टि पड़ती है, कर्क के बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है, मीन के शुक्र की दृष्टि पड़ती है। क्या बात है गुरु जी। अच्छा जैसे 2019 में राम मंदिर का फैसला आया, फिर 2024 में ऐसा लग रहा ज्ञान व्यापी का फैसला आने वाला है। भगवान आप भगवान करें हमारी बेटी के मुख में चीनी और घी आ जाए। 2029 में कृष्ण जन्मभूमि का फैसला आएगा गुरुजी। सब 29 तक सब कुछ निपट जाएगा। हिंदू राष्ट्र
हिंदू राष्ट्र धीरे धीरे बनेगा, चिंता क्यों करती है? क्या कल्पना होगी हिंदू राष्ट्र के गुरु जी? हिंदू राष्ट्र की कल्पना होगी सह अस्तित्व, सभी यहाँ रहें पर राम कृष्ण के होके रहें, बाबर के और अकबर के और चंगेज खां के और मोहम्मद गोरी के होके ना रहें, रहें सभी यहाँ पर राम कृष्ण के बन के, रघुवर और यदुवर के बन के रहें। एक मुस्लिम और एक क्रिश्चियन अगर राम कृष्ण के होंगे तो कैसे, मतलब क्या होगा? नहीं, नहीं, उनका ये सवाल नहीं, मैं ये कह रहा हूँ हो ना अपना धर्म माने पर किसी को सताए नहीं, आदर्श तो राम जी का ही होना चाहिए, भारत में जो रहेगा उसको उसको राम जी के आदर्श पर रहना पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ राम भद्राचार्य जी, जिन्होंने समाज में भी बहुत सारा काम किया है। थोड़ा सा मैं आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहूंगी। मैंने पहली बार बनी दिव्यांगों के लिए 2001 में यूनिवर्सिटी बनाई। अब मोदी जी को आया है सोच कि इनको दिव्यांग बनाया जाए, पहली बार मैंने बनाई यूनिवर्सिटी और अब तक 5000 दिव्यांगों को मैंने रोजगार भी दिलाया। हमारी यूनिवर्सिटी में सारी शिक्षाएं दी जाती हैं, MBA, MCA, BTEC, MTEC सब कुछ पढ़ाते, पर एक पैसा नहीं लेता हम, तो हम फ्री पढ़ाते हैं, फ्री खिलाते हैं और फ्री निवास देते हैं। क्या बात है गुरु जी, समाज में अगर काम हो तो हमारे धर्म गुरु ऐसे होते हैं जो समाज में कई लोगों को जो है, क्योंकि मेरी घोषणा है मानवता ही मेरा मंदिर, मैं हूँ उसका एक पुजारी, है दिव्यांग महेश्वर मेरे, मैं हूँ उनका कृपा भिखारी। कुछ लोग ये आवाज़ उठाते हैं गुरु जी, कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री का रास्ता तय करना चाहिए, आपकी दृष्टि क्या कहती है? और सब ठीक हो तो वो तो समय बताएगा, अभी 24 में मोदी को आने दीजिए फिर बात करेंगे। और कुछ सवाल आप लोगों की तरफ से लेना है? क्या लेना है गौरव बताइए? ज्ञान बाबू अच्छा होगा, हाँ जैसे राम जन्मभूमि का हो वहाँ भी होगा। और जो विवाद होगा उसका, उसको कैसे निपटा? कोई विवाद नहीं होगा, योगी जी कह रहे हैं अगर मस्जिद बोलोगे तो विवाद होगा। योगी जी कह रहे हैं कि पहला खुद से वो दिखाइए, मस्जिद है ही नहीं क्यों बोलोगे, वहाँ जब त्रिशूल है, डमरू है, हाथ धोने का स्थान है, ज्ञान वापी में कोई इस्लाम की कुआं तो नहीं, ज्ञान का कुआं तो, हम मस्जिद है ही नहीं। अब वो लोग कहते हैं हम इतने सालों से जो है वहाँ पे मतलब नमाज पढ़ा करते थे, कहते नहीं, वो उनकी कहने से होता है, हमने स्वयं ने ज्ञान बापी का कुआं का जल पिया था, मैं आई वाज यूनिवर्सिटी इन वाराणसी, आप टेकन द जल ऑफ ज्ञान बापी। समय आ गया है कि अब ज्ञान वापी और कृष्ण जन्मभूमि दोनों हमको मिल जाए, ये समय आ गया। क्या बात, वो ऐसे कहते हैं कि हमने राम मंदिर दे दिया लेकिन ये काफी मात्रा नहीं दे दी। उनके कहने से नहीं होगा, उन्होंने नहीं दिया है, न्यायालय ने दिया है, उनके बाप ने नहीं दिया है, हमने अपने अधिकार से लिया है। वो कहते हैं कि काशी और मथुरा जो है उसको भूल जाइए आप। नहीं नहीं हम भूलेंगे नहीं, हम लेंगे, we will not forget, we will take। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी। थैंक यू।